जी, कौन साहब कहाँ से? जी फरमाएं, क्या पूछना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक हैं, खैरियत है। फरमाएं फरमाएं, क्या पूछना क्या चाहते हैं मेरी जान? जी, अच्छा, वो क्या कहते हैं? ये मुझे समझ, आपके सवाल की समझ, सच्ची बात बताऊं, सोलंकी कौन है और ट्यूबवेल किस तरह क्या हुआ है? तो उसके लिए किसने कहा था? किसने? अच्छा, वो क्या कहता है? अच्छा, यानी कि उसने टेक्सचर सारी उससे खराब हो गई है, सख्त हो गई है, उसको नरम कैसे करना है? मेरी जान, अभी आप क्या उसमें सोइंग किस चीज की करना चाह रहे हैं? ज्वार की। ज्वार पे मैं पूरा एक कंप्लीट दूंगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, अगर आपने चारे के लिए करना है वो भी दूंगा, और अगर सीड के लिए करना है वो भी देंगे दूंगा, ठीक है? चारा के लिए आप अभी, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। बेहतर ये है कि इसकी अगर स्ट्रक्चर किसी भी टेक्सचर का जमीन सख्त हो जाए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डाली जाती है, अच्छी गली सड़ी गोबर की खाद ज्यादा डाल के वो किया जाता है, या फिर ग्रीन मेन्योरिंग कर लेते ग्वारा से, या और जंतर के साथ एक दो दो महीने की वो क्रॉप लगा लें। अभी स्टार्ट होने वाला है जून, ठीक है ना? हेलो, हाँ, तो ये है कि या ग्रीन मेन्योरिंग पे जाएंगे तब जा आपकी जमीन की टेक्सचर जो सख्त हुई हुई है ठीक हो जाएगी, या फिर ये है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें ऑर्गेनिक मैटर ही आपको, वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या तो आप लोगों को कहा है, क्या चीज को केमिकल दिया है, क्या कुछ हुआ जिससे सख्त हुई है, तो ये बेहतर ये है कि आप उसमें ज्यादा से ज्यादा वो डालें जो है ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, खाद खाद देसी खाद रूड़ी वगैरह वो डालें, और बाकी बाल वगैरह तो नहीं, मिट्टी कौन इतनी ज्यादा ला के उसमें डालेगा, और वो मिक्सचर फिर होगा तो फिर और ज्यादा नरम हो जाएगी। लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर डाल दें, ये यानी गली सड़ी गोबर की खाद डालें, या और उसके बाद या फिर आप ग्रीन मैन्योरिंग करें जरूर, ठीक है? ग्रीन मैन्योरिंग, सब्ज खाद के लिए आप ये जंतर है या ग्वारा है वो लगाते हैं। अभी थोड़ा लेट हो गया, मैं शुरू से लोगों को कह रहा हूं कि प्लीज जंतर लगाएं, ग्वारा लगाएं, और फिर उसको महीने दो महीने के बाद, 2 महीने बाद उस क्रॉप को पूरे को चॉप करके उसके अंदर ही वो जमीन के अंदर ही दबा दें, और दबाने के बाद में वो थोड़ा सा छटा लगाते हैं कोई यूरिया वगैरह का, और पानी लगा देते हैं ताकि वो जल्दी गल सड़ के जमीन का हिस्सा बन जाती है, और जमीन की टेक्सचर जो सख्त होती है वो ठीक हो जाती है। मेरी जान, आप सब्ज चारे पे, सब्ज खाद पे मेरे प्रोग्राम देखेंगे, बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ, लेकिन चूंकि मौसम के लिहाज से मैं बता रहा हूं,
आज जंतर है या गुवारा है? जर्मिनेशन हो जाए तो उसके अंदर अलचन आकर उसको जमीन के अंदर जर्मिनेशन के बारी नहीं मेरी जान, जर्मिनेशन जब हो जाए को दो दो फुट का तो कम से कम हो, दो दो फुट का हो जाएगी क्रॉप हो जाए तो उसके बाद आप, क्योंकि टाइम देखना होता है ना, टाइम पे फिर ताकि अगली फसल भी तो आपने लेनी है, तो उसके लिए वो उसको टाइम चाहिए। एक तो जमीन के अंदर अच्छी तरह मिल जाएगा और फिर उसके बाद थोड़ा सा आपने यूरिया वगैरह किसी खाद के छटा लगा देते हैं, फिर पानी देते हैं ताकि वो जल्दी और डीकम्पोज करने में उसकी मदद करता है, ताकि वो उसका हिस्सा बन जाए जमीन का ही, ठीक है ना। फिर बाद में आप हल चला वगैरह चलाएंगे तो जमीन को तैयार कर लेंगे, तो उसमें भले अगली फसल लगाएं, ठीक है। ठीक हो गया। दो चीजें हो गई, एक गोबर की खाद और एक ये जंतर गवारा वगैरह। जी मेरी जान, बेस्ट अच्छा अगर दूसरी टाइम चीज, को, टाइम अगर ना हो जंतर और गवारा को वाला, तो फिर आप जो है गोबर की खाद अच्छी डालें, अच्छी दबा के डालें ऑर्गेनिक मैटर, और ऐसी बेहतरीन जमीन हो जाएगी, फिक्र ना करें। ठीक हो गया। एक मिनट, नमस्ते, नया सवाल है आपका, एक सेकंड होल्ड करें, होल्ड करें। बिस्मिल्लाह। प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हजरत अबू हरेरा रज़ील्ला ताला अन्हों से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की तीन निशानियां हैं, जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसे पूरा ना करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो वो खयानत करे। ये बुखारी और मैं मुस्लिम से कोट कर रहा, दुआओं में याद रखें। फेमल्ला। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरूने ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से राबता करें। शुक्रिया।